हम सबके रुचि यह है कि मुजफ्फरपुर बाईपास के निर्माण का काम हो और किसानों का भी कोई नुकसान न हो, और इसके लिए एक नया प्रपोजल हमने उनको दिया है और हमने उनको कहा है कि आप एक सप्ताह विचार करके इस बारे में बताइए। उन लोगों ने भरोसा दिया है, विचार करके इस बारे में निर्णय करेंगे किस किसान को कितना पैसा मिलेगा, इसकी एक सूची उस इलाके में प्रकाशित की जाएगी और किसान उसके आधार पर तय करके बताएंगे, तब निर्णय होगा। स्थिति यह है कि भारत सरकार ने मुजफ्फरपुर बाईपास को लगभग बंद करने का तय कर दिया, क्योंकि बहुत दिन हो गया और लगातार उनको भुगतान करना पड़ रहा है ठेकेदार को जमीन नहीं देने के कारण, तो भारत सरकार ने इसको बंद करने का तय किया था। लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि एक मौका हमको दीजिए, हम किसानों से बातचीत करेंगे, और उसी आधार पर आज हम लोगों ने किसानों के साथ बातचीत की है। बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, कोई तनाव नहीं है। ये स्वाभाविक है कि जिसकी जमीन जाती है थोड़ी ममता उसको होती है, मैं इसको मानता हूँ, और बिहार में आप जानते हैं कि जमीन से लोगों को ज्यादा ममता रहता है, तो जो ममता है वो थोड़ा कदम रोकता है। लेकिन मैंने उनको पूरी बात बताई है, मुझे विश्वास है कि वो सार्थक निर्णय करेंगे और निर्णय से अवगत कराएंगे तो उनकी आगे कार्रवाई की जाए। देखिए, आप जानते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बारे में कई बार यहाँ जमीन के प्रकार में परिवर्तन आपको मालूम है, तीन तीन बार परिवर्तन हुआ। जो अंतिम निर्णय है 2012 का, हमने कहा है कि हम 12 में जो जमीन के प्रकार का निर्णय हुआ उस प्रकार के निर्णय